Hey guys, चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटा दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। हेलो एंड वेलकम टू एंकर डिजिटल पॉइंट। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? मैं हूं रहीम खान, आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एंकर डिजिटल पॉइंट। गाइस, आज की इस वीडियो को थंबनेल और टाइटल देखकर आपको समझ आ गया होगा कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, अगर आप लेना चाहते हैं होम लोन, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, या फिर आप ऑटो लोन लेना चाहते हैं, या फिर आप क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं। एक ऐसी कंपनी के बारे में आपको यहां पर बताऊंगा जहां पर आप ये सभी काम इंस्टेंटली कर सकते हैं बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। लोन अप्लाई करने के लिए आपको यहां पर क्या करना होगा, कैसे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, कैसे आपको यहां पर लोन मिलेगा, सब कुछ आगे बताऊंगा। पहले आप जल्दी से इस वीडियो को मेरे भाई लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए मेहमान हैं, पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भूलना, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी वो कंपनी जहां से आप ले सकते हैं इंस्टेंटली लोन। चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जब आप उस पर क्लिक करेंगे सीधा प्ले स्टोर में आप चले जाएंगे। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन दिखाई देगी जिसका नाम है कम्फी लोन। होम लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। इंस्टेंटली आपका यहाँ पर लोन अप्रूवल हो जाएगा अगर आपके पास सभी डॉक्यूमेंट्स हैं। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, कैसे आपको लोन मिलेगा, कितना इंटरेस्ट होगा, सब कुछ मैं आगे बता दूंगा, वीडियो उसकी बिल्कुल मत करना। तो गाइस, एप्लीकेशन आपने डाउनलोड करनी है, डाउनलोड करने के बाद आपने इसको ओपन कर लेना है। जैसे एप्लीकेशन ओपन होती है, इंटरफेस कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर एप्लीकेशन का डैशबोर्ड दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आप दे सकते हैं यूज्ड कार लोन, आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आपने पहले से कोई लोन ले रखा है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कार लोन ले सकते हैं, टू व्हीलर लोन ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, होम लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी आप यहां से ले सकते हैं, कमर्शियल व्हीकल फाइनेंस आप यहां से कर सकते हैं, बिजनेस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एजुकेशन लोन आप यहां से ले सकते हैं, प्लॉट लोन आप यहां से ले सकते हैं, प्रोजेक्ट लोन और ऑटो लोन। अब चलिए देखते हैं आपने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किस तरीके से करना है। मान लीजिए आपने यहां पर पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है, तो आपने पर्सनल लोन पर क्लिक करना है। जैसे आप पर्सनल लोन पर क्लिक करते हैं आपके सामने पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। तो गाइज, आपको यहां पर पर्सनल लोन अप्लाई करने के लिए जो जो फीचर्स है आपको यहां पर दिखाई देंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको यहां पर देने, वो डिटेल आपको यहां पर दिखाई देगी, ठीक है। और फीस एंड चार्जेस आप यहां पर देख सकते हैं। सबसे नीचे अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपने यहां पर क्लिक करना है, अप्लाई कर लेना है लोन के लिए। मैं आपको आगे अप्लाई करके यहां पर दिखा दूंगा। इसके अलावा गाइज, आप यहां से क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रेडिट कार्ड पर क्लिक करते हैं आपके सामने पेज कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सेम वही यहां पर भी दिखाई दे रहा है, आपको यहां पर पूरी डिटेल दिखाई देगी क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए। आपको यहां पर फीचर्स दिखाई देंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए वो आपको यहां पर दिखाई देंगे। फीस एंड चार्जेस कितना लगने वाला वो आपको यहां पर दिखाई देने वाला है। क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। इसी तरीके से आपने यहां पर कार लोन, टू व्हीलर लोन के लिए अप्लाई करना है। गाइज, आप यहां पर सबसे पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लीजिए। एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए आपने क्या करना है, एलिजिबिलिटी कैलकुलेटर पर आपने क्लिक करना है। आपको सबसे ऊपर डाल देनी है आपकी मंथली इनकम कितनी है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ पर 45,000 रुपये डाल देता हूँ, मेरी 45,000 रुपये इनकम है। उसके बाद कितने महीने के लिए आप यहाँ पर लोन लेना चाहते हैं, चलिए मैं 12 महीने कर देता हूँ। कितने परसेंट इंटरेस्ट पर आप लोन लेना चाहेंगे, तो चलिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ 12% पर एनम के हिसाब से। चलिए रिजल्ट पर क्लिक करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी 45,000 रुपये मंथली इनकम है तो आप यहाँ पर 378,000 रुपये के लोन के लिए एलिजिबल है। आप यहाँ से 378,000 रुपये तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिस पर आपको इंटरेस्ट देना होगा 23,465 रुपये, 31,500 रुपये की जो इसकी ईएमआई होने वाली है, वो 12 महीने के लिए आपको ये लोन मिलने वाला है। यहाँ पर इन्होंने पर मंथ के हिसाब से भी दिखा रखा है हर महीने कितना इंटरेस्ट आपका जाने वाला, वो डिटेल भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपने यहाँ पर क्या करना है, लोन के लिए अप्लाई करना है। 378,000 रुपये के लोन के लिए आप एलिजिबल है, तो आप यहाँ से 3,00,000 रुपये तक के लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से लोन के लिए किस तरीके से अप्लाई करना है। अब आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि कौन सा लोन आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, पर्सनल लोन पर आपने क्लिक करना है। फीचर्स आपने देख लेने यहाँ पर क्या क्या आपको फीचर्स मिलने वाले हैं पर्सनल लोन लेने के लिए। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको यहाँ पर देने पड़ेंगे वो यहाँ पर देख सकते हैं, पूरा लिख रखा है इन्होंने, आप पढ़कर यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख लीजिए। और आपने क्या करना है, अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। गाइज, अब आपको यहाँ पर पूरी डिटेल कंप्लीट फिल करनी होगी पर्सनल लोन लेने के लिए। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना ऑक्यूपेशन सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर लोन अमाउंट सिलेक्ट करना है, कितना लोन आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। मान लीजिए आप यहाँ से 5,00,000 रुपए का लोन लेना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर 5,00,000 रुपए लिख देना है। उसके बाद आपकी कोई एग्जिस्टिंग ईएमआई है तो आपने यहाँ पर वो डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सिटी सिलेक्ट करना है, कौन सी आपकी सिटी है वो आपने यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद गाइज, आपको यहाँ पर फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल देना है, जो आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम हो। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस डाल देना है।
उसके बाद आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर आपकी नेट मंथली इनकम कितनी है वो आपको यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ अपना डाल देना है, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर वही डालना है जो आपके आधार कार्ड आपके पैन कार्ड के अंदर हो। ये सारी डिटेल कंप्लीट फिल करने के बाद आपने जो टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है, सबमिट कर देना है। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिखाई देगा, आपने यस पर क्लिक करना है। जैसे आप यस पर क्लिक करते हैं तो जो लोन एप्लीकेशन है यहाँ पर सबमिट हो चुकी है, ठीक। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, सबमिट करने के बाद जो आपकी एप्लीकेशन है कम्फी लोन कंपनी अपने पार्टनर बैंक या फिर अपनी पार्टनर फाइनेंस कंपनी को सबमिट कर देगी। उसके बाद आपके पास कॉल आएगी, आपसे पूछेंगे भाई आप लोन लेना चाहते हैं, तो आपने सिंपली हाँ करना है और उनको अपने पास बुला लेना है। आपसे वो आपके डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाते हैं तो आपकी लोन अमाउंट आपके बैंक के अंदर वो दे देंगे, ठीक है। तो गाइज आप इस तरीके से कम्फी लोन से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया किस तरीके से आपने लोन के लिए अप्लाई करना है कम्फी लोन से। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।